हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग वर्कशीट नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 5. वी आर डूइंग क्वेश्चन 1 to 4, वी ऑलरेडी डन. क्वेश्चन नंबर 5, रंजन बॉट अ सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000. रंजन ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर ₹6,000 में खरीदा. ही स्पेंट ₹300 ऑन इट्स रिपेयर्स, और ₹300 उसकी रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए. एंड सोल्ड इट टू विनीत एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और विनीत को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया. विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश. विनीत ने ये स्कूटर मुकेश को एट अ लॉस ऑफ 10% बेच दिया, 10% लॉस पर. एट व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर. तो मुकेश ने वो स्कूटर कितने में खरीदा था. बच्चे, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब हमने क्या बताना है इसमें, रंजन ने एक स्कूटर 6,000 में खरीदा और ₹300 उसके ऊपर रिपेयरिंग पे खर्च किए, और ₹6,300 उसकी टोटल सीपी हो गई. ठीक है, अब उसने उस स्कूटर को क्या किया, 10% प्रॉफिट पर विनीत को बेच दिया. तो पहले हम यहां तक सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि 10% प्रॉफिट के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा. तो बच्चे, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 10%. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, 10% प्रॉफिट, तो ये आपके पास ₹6,930 क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीपी एंड प्रॉफिट. अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर विनीत. अब मतलब कि ये इस कॉस्ट प्राइस पर रंजन ने विनीत को ये स्कूटर बेच दिया. मतलब कि ये रंजन की तो एसपी है और विनीत की सीपी है. ठीक है, 6,930. तो इसका मतलब विनीत ने 6,930 में उसको खरीदा. ठीक है, तो अब उसने विनीत ने क्या किया, विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश एट अ 10% लॉस, और विनीत ने यही सेम स्कूटर 10% लॉस पर मिस्टर मुकेश को बेच दिया. तो अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये आपको बताना है. तो सीपी ऑफ स्कूटर फॉर विनीत ₹6,930, लेस लॉस कितना हुआ, 10% हुआ. तो अब हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं. तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 6,000, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹6,237, जो कि क्या है, मुकेश की कॉस्ट प्राइस है. जो मुकेश ने जो स्कूटर बाय किया है उसका कॉस्ट प्राइस है ₹6,237. राइट, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है. क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन बायस 2 पेन्स एट ₹20 ईच. एक पर्सन ने 2 पेन ₹20 पर पेन के हिसाब से खरीदे. ही सेल्स 1 एट अ गेन ऑफ 5%. उसने एक पेन 5% गेन पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा. एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 5%, और दूसरा 5% लॉस पर बेच दिया. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. तो आपको ये बताना है कि उसका गेन और लॉस कितना है, ये आपको बताना है. ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन ये हमें दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन हमें फाइंड आउट करना है. बच्चे, कॉस्ट प्राइस तो आपको दिया हुआ है ₹20, हर एक पेन की कॉस्ट ₹20 है. 2 पेन है, दोनों की कॉस्ट ₹20 है. एक को 5% प्रॉफिट पे बेचा और एक को 5% लॉस पे बेचा. जो आपने 5% प्रॉफिट पे बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है ये हमें बताना है पहले. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम. ठीक है, 5% प्रॉफिट पे है तो यहां हम फिल कर देंगे इसकी वैल्यू, क्या बन जाएगा, ₹21. राइट, अब जो दूसरा पेन है उसको किसमें बेचा, 5% लॉस पर बेचा है.
ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, 20 सीपी तो सभी में 20 रुपीज ही है, 20 मल्टीप्लाई 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 100, 20 मल्टीप्लाई 95 बाई 100, इसको कैंसिल कर देते हैं, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 19 जा 95, तो रुपीज 19 जो है दूसरे पेन का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि टोटल जो सीपी थी 20 रुपीज ईच के हिसाब से हमें खरीदा था पेन को, टोटल सीपी कितनी हो गई 40 रुपीज, क्योंकि दो पेन खरीदे थे हमने तो उसकी टोटल सीपी कितनी हो गई 40 रुपीज। ठीक है, अब क्या है, और टोटल एसपी कितनी हो गई 21, एक में 21 की 21 एक है और 19 दूसरे पेन की है। ठीक है, तो इन दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 21 प्लस रुपीज 19 रुपीज 40 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। बच्चे अब क्या बताना है कि आपके पास 40 रुपीज ही कॉस्ट प्राइस था और 40 रुपीज ही सेलिंग प्राइस है, तो ये इट मींस आपके दोनों ही चीजें सेम है, तो इसमें आपको ना तो लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ। तो नो गेन नो लॉस इस पे आपको मनी पे करनी पड़ी, ना तो प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे, और इसका 7th और 8th क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, और ये चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 12 होगा, तो ये नोटबुक्स आप लोगों ने कंप्लीट करनी है अपनी। राइट।